नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हिमाचल के दो जजों को पद से हटाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां सिर्फ उन्हीं पदों पर की जा सकती है जिन पर स्पष्ट और प्रत्याशित रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। शीर्ष अदालत ने भविष्य की रिक्तियों के नाम पर सिविल जज के रूप में दो उम्मीदवारों की 2013 की नियुक्तियों में त्रुटि पाने वाले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा प्रदान की है और अनियमितताओं में उनकी कोई गलती नहीं थी, अदालत ने दोनों न्यायिक अधिकारी को पद से हटाने से इनकार कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसमें अपीलकर्ताओं के चयन और नियुक्तियों को रद्द किया गया था। एम्स में 20 मिनट में तैयार होंगे ब्लड कंपोनेंट्स, मरीज नहीं होंगे रेफर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में ब्लड बैंक शुरू हो गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट्स तैयार करने के लिए अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है। इसमें मात्र 20 मिनट में कंपोनेंट्स तैयार होंगे। इससे पहले एम्स में इसकी सुविधा नहीं थी, इस कारण मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता था। अब ब्लड कंपोनेंट्स के अभाव में रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। एम्स में ब्लड स्टोर करने की सुविधा थी, यहाँ पर 700 यूनिट तक का ब्लड स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ब्लड कंपोनेंट्स तैयार करने के लिए मशीन नहीं थी। अब इस मशीन को स्थापित कर दिया है। इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट्स ब्लड सेल के अलावा अन्य कंपोनेंट्स 20 मिनट में तैयार होंगे। इसके साथ ही एम्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग काम करना शुरू कर देगा। ई टैक्सी योजना के आवेदक को खुद चलानी होगी गाड़ी, न्यूनतम आयु 23 वर्ष। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू की ई टैक्सी योजना में आवेदक को खुद टैक्सी चलानी होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदक को परिवहन विभाग की ऑनलाइन पोर्टल से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन RTO स्तर की कमेटी करेगी। बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड निगम और सरकारी उपक्रमों को ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। खुशखबरी, अब हिमाचल में भी लागू होगी बघेल की गोबर खरीद योजना। इतने रुपए किलो खरीदेगी सरकार। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की सरकारी खरीद के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की यह योजना अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की देखरेख में अपनी 10 गारंटियों में से एक गारंटी गोबर खरीद की भी थी। गौरतलब है कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक वर्ष पूरा करेगी। गोबर खरीद योजना को केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए, ऐसा सुझाव कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने भी 2021 में दिया था। 12 एजेंटों ने गिरफ्तारी के डर से लोगों के लौटाए 2 करोड़, 14 ने 2.5 करोड़ दिलवाने की लगाई गुहार। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में गिरफ्तारी के डर से 12 एजेंटों ने 30 से 35 लोगों को पैसा लौटा दिया है। ये रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। ये पैसा जिला मंडी कांगड़ा और ऊना में दिया गया है। वहीं हिमाचल के 14 लोगों ने पुलिस से पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। यह रकम भी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। SIT ने साफ किया है कि लोगों को पैसा दिलवाने का काम पुलिस का नहीं है। कोर्ट की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इससे पहले भी 2 कर्मचारियों ने GPF निकालकर लोगों का पैसा लौटाया है। उधर SIT धर्मशाला में हर दिन 10 से 12 लोगों से पूछताछ कर रही है।